और बड़ी खबर, लखनऊ में अवैध बिल्डिंग पर योगी सरकार के एक्शन को लेकर खबर यह है कि अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है। ध्वस्तीकरण के खिलाफ लोगों ने अब प्रदर्शन भी किया है। तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से लोगों का ये प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये पहले आपको उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अवैध बिल्डिंग पर अब बुलडोजर चल चुका है। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम राजदान जो बिल्डिंग है यजदान, वहाँ किसके बाहर खड़े हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर लोगों के घरों में जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनको खाली करवाया गया और बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग आप टूटी हुई नज़र आ रही होगी हमारे दर्शकों को, ये 30 मार्च को इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था। उसके बाद कल फिर यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ लोग पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो परिवार रह रहे थे उनको खाली करवाया गया और कल सुबह 10 बजे ये जो पूरी बिल्डिंग हमारे दर्शकों बताया 30 मार्च से ही कार्रवाई चल रही थी और बावजूद इसके लोग यहाँ पर रह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यहाँ पर रह रहे थे क्योंकि लोगों का कहना था कि उन्होंने इस फ्लैट की यहाँ पर रजिस्ट्री करवा रखी थी, उनकी रजिस्ट्री हो रखी है और लीगली वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनका कहना था कि 5 साल हो गए, 5 साल को सरकार को नजर नहीं आया कि बिल्डिंग इलीगल है। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे इस बिल्डिंग में टूटने के लोगों से बात जरूर करें कि आखिर किस तरीके से इन्होंने अपना ये दर्द प्रशासन के सामने रखा है, लेकिन पूरे मामले पर जारी कार्रवाई पर आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।